गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 45वें एपिसोड में विजय कुमार की बात करेंगे। विजय कुमार नाम का एक बालक करीबन 14 साल की उम्र में मुझे मिलने आया। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर नई दिल्ली के दलित बस्ती का रहने वाला लड़का था। मेरे बारे में उसने कहीं सुना था और वो मुझसे मिलने आ गया। मैंने उसे बड़े सम्मान से लंगर खिलाया और पंगत में बिठा के उसको बराबरी का दर्जा प्राप्त होने पर वह बहुत गदगद हो गया। गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में गोल्फ लिंग साउथ दिल्ली में मैं लंगर सेवा कर रहा था, उस समय वो बेचारा मिलने आया था। उसने कहा, सर मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, उसके बाद में आपसे थोड़ी बात करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। मैंने उन्हें लाइन से सम्मान में बिठा के, बराबरी के दर्जे में बिठा के लंगर खिलाया और फिर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंग साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके एक काउंसलिंग रूम में उसके साथ कॉफी पीते हुए मैंने बात की। उसने बताया कि वह दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर के दलित बस्ती का रहने वाला है, हालात उसकी बहुत खराब है और बुद्धिस्ट समाज से वह बिलोंग करता है। और आज चाहे हम लोग कितने भी अपने आप को अच्छा कहे, भारत के लोग अपने आप को हम बहुत ग्रेट है यह माने, पर एक सबसे गंदी आदत हमारे नसों नसों में समाई हुई है, वह है जातिवाद। किसी को बहुत नीचा समझना और अपने आप को ऊंचा समझना, यह गंदी आदत, गंदी सोच और गंदा दिमाग मनुष्य के अंदर छाया हुआ है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। इस व्यवस्था का वह शिकार था, उस पर बहुत जुल्म हुए थे हर जगह, आज भी ऐसा होता है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो लोग भारत में सब बराबरी के हैं और सब ठीक ठाक हैं, यह डिंगे हाँकते हैं, उन्होंने आज भी उन खबरों को देखना चाहिए जहां दलित बस्तियों को जलाया जाता है, दलितों को मारा जाता है, दलितों की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। और यह बालक के साथ में भी वही सब दिल्ली जैसे राजधानी में रहते हुए हुआ था। कुछ ऊंची जाति के लोग इसके साथ बहुत सारा अन्याय कर रहे थे। मैंने इन्हें व्यक्तिगत तौर पर उस बालक को समझाया कि बेटा, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। और मेरे कोई परिचित थे, उनके द्वारा इसे किसी अच्छी स्कूल में मैंने एडमिशन करवा दिया, जहां इस पर अन्याय हो रहा था वहां से हटा के किसी दूसरे स्कूल में। और इसको साथ में एक बात समझाई कि देखिए, हर जगह परिस्थितियां जैसा आप चाहा सोच रहे हो वैसी ही रहेगी, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इसको कोई सरदार जी जो पैरालिटिक के पेशेंट थे, उन्हें रात में
लैट्रिन बाथरूम को लेके जाने के लिए, थोड़ा सा केयर करने के लिए किसी बालक की जरूरत थी, उस जगह पर मैंने इसकी नौकरी भी लगवा दी। दिन में यह पढ़ाई करने लगा, रात में यह उनके यहाँ रुक जाता, अपनी पढ़ाई भी करता। सरदार जी को कभी खांसी हुई या कभी लैट्रिन जाना रहा या कुछ करना रहा तो यह उनको लेके जाता, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो फॉरेन में थे। इस बालक की मैंने गारंटी ली थी। बालक धीरे धीरे पढ़ते गया। वह मुझे आके कभी कभी बताता भी था कि सिख लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं, ये तो मैंने देखा नहीं था। हमारे यहाँ तो कभी चावल बन जाता और कभी रूखी रोटी से गुजारा करना पड़ता। बालक की माँ बर्तन मांजती थी और कहीं कहीं से झूठन ला लेती थी, गुजारा हो जाता था। पर अब बालक को अच्छा खाना मिलने लगा। उसकी माँ कभी कभार मिलने आ जाती थी और कुछ उसमें से कुछ पैसे वो उनको दे देता था। धीरे धीरे यह बालक ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद में कॉलेज पूरा किया। इस पर फप्तियां तो कसती गई, पर यह उसको मैंने समझाया था उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, और यह उसने नजरअंदाज करना शुरू किया। इसका इंजीनियरिंग किसी तरीके से पूरा हो गया। उसका खर्चा मेरे कुछ परिचित सिख लोगों ने उठाया था। इसने इंजीनियरिंग पूरी की अच्छे मार्क्स से। इंजीनियरिंग की नौकरी इसको जल्दी ही लग गई। इंजीनियरिंग की नौकरी लगने के बाद में यह फाइनेंशियली थोड़ा साउंड हो गया। मैंने इसको समझाया कि अपनी मदर के साथ में तुम किसी इलाके में अच्छा सा छोटा मकान देखो, और वो मैंने इसको दिलवा दिया। वहां वह आगे की पढ़ाई करने लगा। आगे की पढ़ाई करते हुए इसने जो इंजीनियरिंग के नौकरी से कुछ पैसे उसको बच जाते, तो वो उसी पैसे को ट्यूशंस लगाकर आगे की पढ़ाई करने लगा। आगे की पढ़ाई करते हुए इसने यूपीएससी में परीक्षाएं पास की और सरकारी उच्च पदों पर यह विराजमान हुआ। उच्च पद पर पहुंचने के बाद में इसके जो भी लोग थे जो इससे नफरत करते थे, इसको गलतियों का सामना करना पड़ा था, इसको तकलीफों का सामना करना पड़ा था, वह सारे लोग इसके पास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टकराए। बेशक वो इसका प्लेसमेंट दूसरे स्टेट में हुआ था, पर वो सब टकराए और इसके ओहदे का लाभ लेने की कोशिश करने लगे। यह मुझसे मिलते रहा। इसने कोई पुरानी मैंने उसको समझाया था कि अपनी पुरानी दुश्मनी और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करो और अपने आप को ऊंचाई पर लेके जाओ। और एक साथ में और बात बोली थी, वो ये कि तुमने जिस तरीके के नीचे से ऊपर तक तरक्की की है, ऐसा कोई और अगर आपको दिखे तो उसका सहारा बनो। उसने मुझे बताया था कि वह 5 दलित बच्चों को अपने पैसों से अच्छी परवरिश करवा रहा है, उनको अपने स्तर से ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके जो भी अच्छे कपड़े पुराने निकलते हैं
वह उनको देता है, कुछ नए भी लेके देता है। उनका खाना, हॉस्टल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहा है और उसकी कोशिश है कि इन 5 बच्चों को मैं उच्च शिक्षा देकर ऊंचाई पर पहुंचाऊं। उसके यह कहने के बाद में मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह के दलित बस्तियों से निकलते हैं और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में अपने आप को दलितों से अलग और एक अपर क्लास का समझने लगते हैं और अपनी बिरादरी की तरफ ख्याल नहीं देते। विजय कुमार ने अपने बिरादरी के 5 बच्चों को अपने जेब से अच्छी परवरिश दी, 5 बच्चों को आगे बढ़ाया और समाज का पूरा कर्जा उसने उतारा। विजय कुमार जैसे लोग भविष्य में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। आज उसने अपनी गरीबी पर, अपनी समाज के द्वारा तिरस्कृत व्यक्तित्व पर विजय प्राप्त कर ली है और एक सम्माननीय जीवन जिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ किताबें मेरे पढ़ने में आई हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कही है जो हर व्यक्ति ने ध्यान में रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा वह रास्ता है जिस पर चलने के बाद में आपको सम्मान, सम्मान और सम्मान प्राप्त होता है। तो यदि आप दलित हैं या आप छोटी जाति के हैं या आप परेशान हैं, उसका कोई लेना देना नहीं, आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी, उच्च शिक्षा। हर हाल में रोजी रोटी कमाते हुए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। जिस दिन आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोगे, जरूरी नहीं कि आपको नौकरी लगे या आप कुछ, आपकी शिक्षाएं, आपकी डिग्री आपको सम्मान दिलवाएगी, आपको अच्छा पद दिलवाएगी। और एक बात विशेष तौर पर याद रखिए जो विजय कुमार ने याद रखी थी, उसने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा था। हम लोग बहुत से ऐसे किरदार देखते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं पर वो उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। विजय कुमार ने शिक्षा को अपने जीवन में उतारा था। शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप अपना जीवन बदलते हो। पर यदि आप शिक्षित हो जाते हो, पढ़ लिख जाते हो और आपके विचारों में गंदगी समाये रहती है, आप भेदभाव करते हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी को नीचा समझते हो, किसी को छोटी जाति का समझते हो, तो आपकी शिक्षा पर दया आती है। आपने शिक्षा नहीं प्राप्त की, आपने सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा प्राप्त की, आपने अपना जीवन बदलने के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त की। आपको पढ़ाई अपना जीवन बदलने के लिए करनी चाहिए, आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने विचारों को ग्रो करने के लिए, अपनी मानसिकता को ग्रो करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। विजय कुमार ने यही किया और उसने अपने आप को भी बदला और अपने समाज को भी बदलने की कोशिश विजय कुमार कर रहे हैं। हम विजय कुमार के साधना जो उन्होंने शिक्षा के प्रति की काम करते हुए, उसको सलाम करते हैं और विजय कुमार का यह एपिसोड समाप्त करते हैं। धन्यवाद।